Okay, best laptop under 40,000, 50,000, 60,000 and 70,000 at this time. तो भाई साल का अंतिम महीना चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो भाई आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 लैपटॉप्स, इन सभी कैटेगरी में कौन कौन से हैं और भाई ये सभी लैपटॉप्स इस टाइम पर आपको एक बहुत ही अच्छे डील के साथ मिल रहे हैं। तो भाई चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सभी लैपटॉप्स के बारे में कि इस टाइम पर कौन कौन से टॉप 5 लैपटॉप्स इन सभी प्राइस सेगमेंट में आपको मिल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है डेल का वोस्ट्रो 3420 लैपटॉप। आपको यहाँ पर इंटेल का कोर i3 11th जनरेशन मिलता है विथ 8GB का DDR4 रैम एंड 512GB का SSD। और भाई ये डिस्प्ले आपका है 14 इंचेस का फुल HD WBA डिस्प्ले जो कि एक एंटी ग्लेयर है, तो मतलब आपके आंखों पर बहुत ही कम असर होगा। आप इससे अपने डिफरेंट टास्क को लंबे टाइम के लिए बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और भाई यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका वेट है 1.48 kg जो कि बहुत ही लाइट वेट है और विंडोज 11 MS ऑफिस आपको इसमें प्री इनबिल्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद में बात करता हूँ एक और लैपटॉप हमारे पास है जो कि बहुत ही शानदार है, वो है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप। आपको यहाँ पर मिलता है इंटेल का कोर i3 11 जनरेशन बट यहाँ पर देख पा रहे हैं फुल HD IPS डिस्प्ले जो कि इस टाइम पर एक बहुत ही अच्छा डील है। आपको इस प्राइस रेंज में फुल HD IPS नहीं मिलता है, तो भाई यहाँ पर लेनोवो वाले को थैंक यू क्योंकि इस प्राइस रेंज में वो IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर 8GB का रैम, 512GB का SSD, विंडोज़ 11 ऑफिस मिलता है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही में आपको यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड विथ 2 ईयर का ऑन साइट वारंटी जो कि बहुत ही अच्छा बात है, मतलब कि अगर आपका लैपटॉप ख़राब होता है तो लेनोवो वाले घर पर आकर आपके लैपटॉप को ठीक करेंगे बिल्कुल फ्रीली। जी हाँ, ये 2 साल तक आपके लैपटॉप को बिल्कुल फ्रीली ठीक करेंगे। और इसका वेट आपका डेल से भी कम है, इसका वेट है 1.41 kg बट यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल का वेट था 1.48 kg, राइट। सो दिस लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर यू इन दिस प्राइस सेगमेंट। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ पर फुल HD IPS मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और लैपटॉप है डेल का इंस्पिरॉन 3511 लैपटॉप। और भाई ये लैपटॉप मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मैंने इसे करीब एक महीना पहले रिव्यू किया था, तो इसका जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बॉडी है और डेल वाले जो है बॉडी पर बहुत ही काम करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो लैपटॉप परचेस कर रहे हैं उनको बॉडी से कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी से दिक्कत हो जाए लेकिन बॉडी भाई मस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉडी परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा आपसे गारंटी है। आपको यहाँ पर वही इंटेल का कोर i3 11 जन, 8GB का रैम, 512GB का SSD, विंडोज 11 MS ऑफिस और आपको यहाँ पर मिलता है 15.6 इंचेस का फुल HD WBA डिस्प्ले। तो यहाँ पर भाई देख पा रहे हैं 15.6 इंचेस बट भाई जब मैंने इसे रिव्यू किया था तो वहाँ पर मुझे ये उतना बड़ा महसूस नहीं हुआ, इसका जो बेजल से ये काफ़ी पतला है, आप देख पा रहे हैं बेजल्स काफ़ी पतला है तो आपको ये बहुत ही बड़ा महसूस नहीं होता है, आपको ये बहुत ही कॉम्पैक्ट जैसा महसूस होता है। तो भाई दिस लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर यू इन दिस प्राइस सेगमेंट। इसका वेट भी आपको बहुत ही कम मिलता है, 1.8 केजी का है, तो भाई बहुत ही भारी भी नहीं है, आप इसे आराम से कहीं भी पोर्टेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक और लैपटॉप है जिसका प्राइस है 41,990 रुपीज़ और इस प्राइस रेंज में HP का ये लैपटॉप 5FR2511TU लैपटॉप, ये काफ़ी शानदार लैपटॉप है। इसमें आपको वही इंटेल का कोर i3 11 जन, 8GB का रैम, 512GB का SSD, 15.6 इंचेस का माइक्रो एज एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले। देख पा रहे हैं इसका जो बेजल से काफ़ी पतला है जो कि इस डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव बनाता है। और भाई आपको यहाँ पर इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड देख पा रहे हैं, एलेक्सा आपको यहाँ पर मिलता है। जी हाँ, एलेक्सा आपको यहाँ पर अलग से मिलता है जो कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा कि आप एलेक्सा से बात कर सकते हैं। और विंडोज़ 11 आपको यहाँ पर मिलता है, MS ऑफिस भी आपको मिलता है और इसका वेट है 1.69 kg, तो भाई वेट काफ़ी बैलेंस है तो आप इसे कहीं भी आराम से पोर्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है ASUS का VivoBook K15 OLED लैपटॉप। भाई इस लैपटॉप का सबसे अमेजिंग फीचर है कि आपको यहाँ पर मिलता है OLED डिस्प्ले जो कि एक काफ़ी क्रिस्पी कलर्स आपको देगा, मतलब कि अगर आप इसमें देखते हैं मूवीज़ वगैरह तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग कलर्स इसके डिस्प्ले से मिलेगा, आपको इसके डिस्प्ले से कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको यहाँ पर इंटेल का कोर i3 11 जन और साथ ही में 8GB का रैम, 256GB का SSD मिलता है, लेनोवो का आइडिया पैड 3 आपको यहाँ पर मिलता है, AMD का Ryzen 5 5500U प्रोसेसर विथ आपको मिलता है 8GB का रैम, 512GB का SSD,
और आपको यहाँ पर भी 2 ईयर का ऑन साइट वारंटी मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका वेट भी आप देख पा रहे हैं 1.65 kg का है, तो काफ़ी लाइट वेट है और आप इसे कहीं भी आराम से पोर्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक और लैपटॉप का जो कि अंडर 50,000 कैटेगरी में आता है। तो देखिए ये हमारा है HP का 15S EQ2144AU लैपटॉप। आपको यहाँ पर भी AMD का Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिलता है और भाई ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेसर में से एक है। आप इसमें अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर वही 8GB का रैम, 512GB का SSD मिलता है, साथ ही में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है एंटी ग्लेयर के साथ, जो कि आपकी आंखों पर बहुत ही कम असर पड़ेगा। और AMD का Radeon ग्राफिक्स कार्ड भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो भाई इसमें आप गेमिंग भी हल्का कर सकते हैं, आपको यहाँ पर गेमिंग में कोई लैग नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ एक और लैपटॉप का, जो कि है Asus का VivoBook, आप देख पा रहे हैं 16X लैपटॉप, जिसमें आपको मिलता है AMD का Ryzen 5 5600H सीरीज प्रोसेसर। तो भाई यहाँ पर H सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक वेल परफॉर्म प्रोसेसर होता है, जिसमें कि आप डिफरेंट टास्क को बहुत ही स्पीडली एंड बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मतलब कोई लैग नहीं मिलेगा, आप गेमिंग भी कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी आराम से कर सकेंगे, कम से कम आप इसमें 1080p पर तो बहुत ही स्मूथली, जी हाँ, कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका वेट है 1.8 kg, 8GB का रैम, 512GB का SSD आपको यहाँ पर मिलता है, विंडोज़ 11 MS Office 2021 देखने को मिलता है। तो भाई ये लैपटॉप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक और लैपटॉप का, जो कि हमारा है HP का 15S FQ5111TU। भाई ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा चर्चित लैपटॉप है। आपको यहाँ पर इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन, जी हाँ 12th जनरेशन मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि इस लैपटॉप को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटेल के आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इसमें गेमिंग को भी कर सकते हैं, जी हाँ गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं एक मीडियम लेवल तक, और भाई इसमें आपका सभी टास्क बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। और इसका वेट है 1.41 kg, जो कि काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मी नोटबुक प्रो लैपटॉप के बारे में, जिसमें आपको मिलता है QHD+IPS डिस्प्ले। तो भाई डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है, आपको यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग पंची और बहुत ही क्राफ्ट डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि आप अपने मूवीज़ को एंड डिफरेंट टास्क को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो डिस्प्ले से ही। उसके बाद मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस का, तो भाई कोर i5 का H सीरीज़ प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। भाई प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है, डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा है, तो भाई काम आपका हो चुका है। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटेल के आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इसमें गेमिंग, कोडिंग, वेब ब्राउजिंग सभी टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और विंडोज़ 11, MS ऑफिस सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलता है, और देख पा रहे हैं बैकलिट कीबोर्ड भी आपको यहाँ पर मिलता है। और इसका वेट है 1.4 kg, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, आप इसे कहीं भी आराम से इजिली पोर्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ HP का एक लैपटॉप है HP Victus, जी हाँ HP Victus लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं E0162AX लैपटॉप। आपको यहाँ पर वही AMD का Ryzen 5 5600H सीरीज मिलता है, जो कि आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं देगा। एंड विद द हेल्प ऑफ Radeon के RX 5500M ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इसमें गेमिंग को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 4GB का मिलता है, 4GB का आपको यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाता है। और भाई आपको यहाँ पर वही 8GB का रैम, 512GB का SSD, विंडोज़ 10, भाई यहाँ पर आपको 11 का अपडेट आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज़ 11 आपको यहाँ पर मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड मिलता है आपको। उसके बाद मैं बात करता हूँ Asus का VivoBook S15 OLED लैपटॉप। आपको यहाँ पर वही फुल HD का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि इसके डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव बनाता है। और आपको यहाँ पर इंटेल का ईवो सर्टिफाइड कोर i5 H सीरीज 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, तो भाई तगड़ा लैपटॉप है, आप इसमें अपने सभी टास्क को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यारे तरीके से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 16GB का रैम एंड 512GB का SSD, साथ ही इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड, विंडोज़ 11, मक्खन भाई ये लैपटॉप काफ़ी तगड़ा है, बट भाई प्राइस भी तगड़ा है इसका, ठीक है ना। तो आप देखते रहें कि भाई इसका प्राइस आपको कब 70 के अंदर मिलता है। अगर आपको ये लैपटॉप 70 के अंदर मिलता है, तो भाई दिस लैपटॉप इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू। आप इसमें सभी टास्क को अपने गेमिंग, कोडिंग, वेब ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद हमारे पास एक लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। आपको यहाँ पर AMD का Ryzen 5 4600H सीरीज प्रोसेसर मिलता है विथ 4GB का NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड के। तो भाई ये ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी वेल परफॉर्म्ड है जिसमें कि आप गेमिंग को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 8GB का रैम, 512GB का SSD और 90 वाट आवर्स का बैटरी आपको मिलता है, जो कि यहाँ पर Asus ने इसे इम्फेसाइज किया है। तो भाई 90 वाट आवर एक बहुत ही तगड़ा बैटरी है जिसमें कि आप गेमिंग को कंटिन्यूसली लगभग 4-5 आवर्स तक कर सकते हैं अपने लैपटॉप को बिना चार्ज। उसके बाद आपको विंडोज़ 11, इसका वेट 2.3 kg है, तो भाई गेमिंग लैपटॉप है तो इसका वेट होगा ही, तो भाई आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। और लास्टली मेरे पास एक और लैपटॉप है HP का विक्टर सीरीज, जिसका मॉडल नंबर है E03 01 AX। भाई आपको इसमें AMD का Ryzen 5 5600H सीरीज प्रोसेसर मिलता है विथ 16.1 inches डिस्प्ले के साथ, जो कि फुल HD डिस्प्ले है, जिसमें कि आप अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही इमर्सिव तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 8GB का रैम, 512GB का SSD, 144Hz का डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और आपको यहाँ पर भी मिलता है GeForce का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक बहुत ही, मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई ये बहुत ही वेल परफॉर्म्ड ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें कि आप गेमिंग को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड, विंडोज़ 11, MS Office, Alexa, जी हाँ आपको यहाँ पर भी Alexa मिलता है, और Xbox Game Pass आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो भाई ये सभी लैपटॉप्स इस टाइम पर काफ़ी अच्छे डील के साथ आपको मिल रहे हैं, और ये सभी लैपटॉप्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो भाई आप वहाँ से जाकर इन सभी लैपटॉप्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई ये था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि भाई उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको आने वाले टाइम में कौन सा वीडियो चाहिए। तो भाई बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।